गुड इवनिंग, सुन पा रहे हो? कैसा नो? चलो सो क्या हो रहा है? थोड़ा नेटवर्क इशू रहने की वजह से बालाजी मुद्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी को आवाज क्लियर आ रही होगी अभी? हेलो, गुड इवनिंग आकाश, सार्थक, गीतांजलि, वर्षा, गौरव, प्रियंका, जी। जो एमसीक्यू सेशन रहेगा आज का हमारा, मेंटिक्यू सेशन हम सैटरडे को लेने वाले हैं, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स करेक्ट भी हो चुके हैं, फिर से एक बार सभी को गुड इवनिंग, ठीक है? मेंटी हमारे सैटरडे को है बेटा। साहिल चौहान बताते हैं मेंटी क्यूज कब है। ओके, आवाज क्लियर आ रहा है? ओके चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर दिखाई देने वाला है। तो आज का सेशन आप सभी को पता है, इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो, इसी सेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बायोस्फीयर रिजर्व प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग, इंडिया में बायोस्फीयर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था इसके बारे में बताना है। 1984, 1985, 1986 या फिर 1989। सवाल स्क्रीन के ऊपर है, आपके लिए क्वेश्चन आ चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे कनेक्ट हो गए। चलो फटाफट आंसर देना है आपको। गीतांजलि, गौरव, साहिल, चलो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है बेटा, आंसर आपको देना है। बायोस्फीयर रिसर्च प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग, मीन्स बायोस्फीयर प्रोजेक्ट इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था इसके बारे में हमें बात करें। तो 1984 का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, उसके बाद 1985 का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 1986 का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और 1989 का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? तो देखते हैं सबसे फर्स्ट कौन कोशिश करता है, कौन सबसे फर्स्ट आंसर देने की कोशिश करेगा, और सबसे फर्स्ट सेशन की शुरुआत किसी के आंसर से होने वाली है वो यहाँ पर हम देखते हैं। चलो बराबर बताने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर दिया, गौरव सी बता रहे हैं, मोहिनी, प्रियंका, वर्षा, साहिल, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर देने की कोशिश की है, ठीक है? पाटनकर सी बता रहे हैं, लावण्या, सैटरडे को मेंटी में कौन सा, ओके जाते समय लास्ट टाइम जब सेशन खत्म हो जाएगा तो उस टाइम में आपको टॉपिक बता दूंगा बेटा, ठीक है? तो अभी देखो आंसर देना है आपके क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। सर बीएससी एग्री सर्टी पीसीएम का पीसीबी, देखो इसके बारे में बात करेंगे, मुकेश सर ने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है, आपको देखना है। वेन यू अपलोड बायो वन शॉट लेक्चर, वन शॉट वीडियो लेक्चर बहुत सारे हो चुके हैं, जो कुछ रहे हैं जिसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट कुछ रहा है और सर्कुलेशन का भी कुछ पार्ट रहा है, तो वो कुछ ही देर में हम कंप्लीट करेंगे। आने वाले समय में एग्जाम कैंसिल होने की वजह से थोड़ा हम भी डिप्रेस हुए थे, तो इसके वजह से वन शॉट वीडियो लेक्चर रह गए, ठीक है? तो देखो साहिल बता रहे हैं सी, ऑप्शन नंबर सी गीतांजलि ने बताया, पूजा ने भी बताया, एजी बायोलॉजी सी बताते हैं, अवेश, उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट ने सी आंसर दिया, जी सी। तो देखो बच्चों, जो प्रोजेक्ट था उसी प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग जो हुई थी वो हुई थी 1986 के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। सभी ने इसी के बारे में बताया भी था और सबके लिए ये ऑप्शन करेक्ट है, जो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ठीक है? तो जो सवाल है उसी का जवाब मिल गया हमें, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर भी दे दिया, यानी कि सेशन का फर्स्ट सवाल सभी का करेक्ट रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत स्वागत सभी का, ठीक है? तो चलो बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। बायोस्फीयर रिसर्च आर बीइंग और रिटेन भी, सीधा सीधा बायोस्फीयर के रिसर्च के बारे में बताया है और उसको रिटेन बताना है अभी। तो किस प्रकार से इसे हम सॉल्व करेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ होती है या फिर रेंज
या फिर पॉपुलेशन सॉरी पोल्यूशन या फिर ऑल ऑफ दिस या फिर ऑल ऑफ द अबो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा भाई? इसके रिसर्च जो है वो ट्रेंड हो रहा है यहाँ पर, तो किस प्रकार से ट्रेंड हो रहा है ये आपको बताना है। बायोस्फीयर रिसर्च को ट्रेंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ऑप्शन नंबर ए पॉपुलेशन, ग्रोथ, रेंज या फिर पोल्यूशन या फिर ऑल ऑफ द अबव, कौन सा सवाल आपको करेक्ट सवाल जवाब आपको करेक्ट रहेगा बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात करना है, फर्स्ट के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर देने की कोशिश की है। चलो गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग बता रहे, गुड आफ्टरनून सर, कृष्णा बताते हैं गुड आफ्टरनून। चलो जुड़े रहना है, पढ़ाई करना है हमारे साथ। ओके यश बताते सी माय कमेंट, ओके बेटा सार्थक हाय सर। चलो आंसर बताना है आपको, बायोस्फीयर रिसर्व्स आर बीइंग ट्रीटेड विद ऑप्शन नंबर ए पॉपुलेशन ग्रोथ, बी रेंज रहेगा या फिर पोल्यूशन रहेगा या फिर ऑल ऑफ दिस रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डी आंसर बताया, पूजा पाटिल, सार्थक, साहिल, वर्षा, उसके बाद जे बायोलॉजी, लावण्या, रोशनी, ठीक है, शैलेश, प्रियंका, बहुत सारे स्टूडेंट्स कनेक्ट हो गए हैं, सभी ने यहाँ पर आंसर देने की कोशिश की है। सर आई एम सो फार लेट, ओके कोई बात नहीं बेटा। तेजश्री बताते हैं डी नंबर, प्रियंका बता रहे हैं ए नंबर, गीतांजलि डी नंबर बता रहे हैं, वर्षा, ओके तो देखते हैं ऑप्शन क्या आएगा। जो ऑप्शन यहाँ पर हमें बताना है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इनकी पोल्यूशन क्या करेगा, ट्रीटेन करेगा बायोस्फीयर को या फिर बायोस्फीयर रिसर्च जो होता है उसी को ट्रीटेन करने के लिए पोल्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर डी देने की कोशिश की है, लेकिन बेटा यहाँ पर रेंज और पॉपुलेशन ग्रोथ का जो है रोल वहाँ पर नहीं दिखाई देता है। अगर ये रोल नहीं रहेगा तो ऑल ऑफ दिस जो आता है वो तो नहीं आएगा, ऑल ऑफ द अब हम उसे नहीं ले सकते, हम सीधा पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। पोल्यूशन होता है तो उसके अंदर रेंज का भी कंपेरिजन आ गया, ठीक है, और पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में उतना तो हमें बात नहीं करना है, तो सीधा सीधा यहाँ पर पोल्यूशन हमारा आज का जो सवाल था सेकेंड नंबर का उसी का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर भी दिया था, बहुत अच्छे बच्चे हैं, सब अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो सवाल थर्ड नंबर का आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, बहुत सिंपल सा सवाल है, इसी सवाल के बेसिस पर पीछे कुछ कंसेप्ट भी हमने देखने वाले, जैसा रेड डाटा बुक क्या होता है इसके बारे में हमने लिविंग वर्ल्ड के अंदर अच्छी बात की, ठीक है, तो आपको इसका आंसर आना ही आना है। स्पेसिस लिस्टेड इन द रेड डाटा बुक आर, जो स्पेसिस रेड डाटा बुक के अंदर होते हैं उसी स्पेसिस के बारे में बताना है, तो कौन से स्पेसिस होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन आपको सीधा सीधा यहाँ पर करेक्ट कौन सा है वो बताना है, वल्नरेबल होते हैं या फिर ट्रीटेन होते हैं या फिर एंडेंजर्ड होते हैं या फिर ऑल ऑफ द अबो, इनमें से कौन से स्पेसिस को हम रेड डाटा बुक के अंदर देख सकते हैं, ठीक है, तो उसकी लिस्ट इन्हीं लिस्ट के अंदर से आपको ऑप्शन बताना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स राधा बता रहे डी नंबर, ओके थ्री आंसर जो डी रहेगा, आदित्य, वेदू पटेल, आचल गुप्ता डी बता रहे, प्रियंका, गीतांजलि, अंकुश डी बता रहे। सर कितने चैप्टर के एमसीक्यू सेशन हुए हैं? देखो बेटा एमसीक्यू सेशन का हमारा 14 नंबर का चैप्टर चालू है, अभी 15 नंबर का जो चैप्टर है वो लास्ट चैप्टर रहेगा हमारा, लेकिन मेंटिक्यू जो फर्स्ट फिर से चालू होने वाले हैं, और जब भी ये पूरा सेशन खत्म हो जाएगा, ये पूरे हमारे जो भी एमसीक्यू के सेशन है वो पूरे अगर खत्म भी होते हैं तो फिर से हम टॉपिक नंबर फर्स्ट से एमसीक्यू सेशन फिर से चालू करने वाले हैं, इसके अंदर फिर और कुछ क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ज्वाइन रहना है, कनेक्ट रहना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, पढ़ाई अच्छी तरह से करना है। वर्षा, अविनाश, गौरव, एमडी क्रिएशन, ओके वेलकम बेटा आपका, आदित्य, चलो गीतांजलि, सभी ने आंसर देने की कोशिश की है, लेकिन देखते हैं ऑप्शन क्या रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा ऑल ऑफ दिस। इसके अंदर बहुत सारे जो होते हैं रेड डाटा बुक के अंदर हमें दिखाई देने वाले ऑप्शन है, तो हम यहाँ पर डी को करेक्ट करेंगे, यानी कि रेड डाटा बुक क्या होता है, जिसके अंदर एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, वल्नरेबल के बारे में है और ट्रीटेन के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिए वाले, इसलिए ऑल ऑफ द अबव हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी रहेगा। उसके बाद अगला सवाल जो है वो बहुत सिंपल सा सवाल है, आपको इसके बारे में बात करना है, सवाल क्या होता है आपको सॉल्व करना है, ठीक है, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कंजर्व प्लांट,
डाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया, मीन्स एरिया के हिसाब से हमें क्या बताया है, प्लांट्स कंजर्वेशन दिया है, प्लांट का कंजर्व जो होता है वो हमें बताना है और कौन सा इफेक्ट वहां पर रहेगा जिस इफेक्ट की वजह से ये पॉसिबल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा टिश्यू कल्चर, बॉटेनिकल गार्डन और बायोस्फीयर रिजर्व, उसके बाद सीड बैंक। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा जो मोस्ट इफेक्टिव वे टू कंजर्व प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ द एरिया या फिर ऑफ एन एरिया, इसके ऊपर हमें बताना है। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। टिश्यू कल्चर के बारे में आपको पता है, बॉटनिकल गार्डन क्या होते हैं, जहाँ पर स्पेसिफिक प्लांट का प्लांटेशन होता है, फिर वहाँ पर हम उसकी स्टडी करते हैं। उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व हमें दिया वाला है, सीड बैंक क्या होता है वो भी हमें यहाँ पर दिया वाला है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, चलो बताना है, कोशिश करना है, करेक्ट आंसर देना है आप सभी को। कितने सारे बच्चे आंसर करेक्ट दे रहे हैं देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा, सी बता रहे हैं सुजन, सी बता, बी बता रहे हैं, ओके वर्षा, सी बताते हैं प्रियंका, कोकन ब्यूटी, स्वीट प्रिंसेस, देन किरण, आदित्य, बहुत सारे स्टूडेंट्स सी बता रहे हैं, यानी कि इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है इसी के वजह से हम वहाँ पर बता सकते हैं किस प्रकार से कंजर्व प्लांट्स के डाइवर्सिटी अपने एरिया के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। अब चलेंगे सवाल जो हमारा स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, फाइव नंबर का बहुत सिंपल सा सवाल है, आप सभी को इसी का आंसर आना ही है क्योंकि हम सेवेंथ स्टैंडर्ड से इसी के बारे में बात कर रहे हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑन, इनमें से कौन सा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, ठीक है, जो जून में होता है या फिर अगस्त में होता है या फिर अक्टूबर में होता है, तो आपको बताना है। ये बहुत आसान सवाल है, सभी ने इसके बारे में बताने की कोशिश करना है। लावण्या, एलेवन के चैप्टर कब करोगे सर, एलेवन स्टार्ट करना है बेटा हमें अभी। उसके बाद कोलगस भरत का योग के सी, वर्षा सी बता रहे, लावण्या सी बता रहे, उसके गीतांजलि साहिब ये बताते, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर दे रहे, कुछ की पूजा, प्रणव, सुशील, गौरव, साक्षी, आदित्य, गायत्री। तो देखेंगे बेटा ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर जो रहेगा फाइव का ये रहेगा, फिफ्थ जून, जो हमने फिफ्थ जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे अभी अभी सेलिब्रेट किया है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो था वो पिछले दो तीन दिन से पहले ही हो चुका था, तो फाइव जून जो होता है वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है, ये आपको अच्छी तरह से पता है, ठीक है। तो ये हमने सेवेंथ स्टैंडर्ड से ही पढ़ने को चालू किया था कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे क्या होता है, जो ज्योग्राफी के अंदर इसके बारे में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हमें दिए वाला है, ठीक है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द एनिमल डज मैन चीफली प्रोटेक्ट, मीन्स इनमें से कौन से एनिमल्स है जो मैन प्रोटेक्ट करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द एनिमल डज मैन चीफली प्रोटेक्ट, ऑप्शन नंबर ए हार्मलेस एनिमल, इकोनॉमिकली यूजफुल एनिमल, या फिर दोज लाइकली टू फ्रिश और फेबल्स एनिमल्स, कौन से एनिमल रहेंगे जो इकोनॉमिकली रहेंगे या फिर हार्मलेस रहेंगे या फिर किसी प्रकार करेंगे जो प्रोटेक्ट हम चीपली कर सकते हैं। चलो आंसर बताना है आपको, देखते कितने सारे बच्चे आंसर देते हैं हमें, कमेंट पढ़ता हूँ मैं अभी। बहुत कम बच्चे आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बात है। सिक्स का भी बताते हैं आदित्य, आकाश, प्रियंका, गौरव, साहिल, पूजा, तेजश्री, अंकुश, स्वीट प्रिंसेस, वैष्णवी, गीतांजलि, वर्षा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बायोलॉजी फॉर ऑल, प्रतीक्षा राठौड़, ओके सभी ने यहाँ पर आंसर देने की कोशिश की है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या रहेगा, सिक्स नंबर का जो सवाल था उसी का जवाब रहेगा सी, दोज लाइकली टू द फिश, मीन्स जो एनिमल वहाँ पर फिश एंड पे हम इजिली, जिन्हें एनिमल्स को इजिली हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं या फिर एनिमल हस्बेंड्री के अंदर यूज कर सकते हैं, तो उसी प्रकार के एनिमल को हम यहाँ पर चीफली प्रोटेक्ट करने के लिए सोचेंगे, ठीक है। उसके बाद रही अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर सेवन बहुत सिंपल है। नाउअडेज राइनो इज अ प्रेजेंट, बताओ क्या होता है, एशिया में होता है, अफ्रीका में होता है, अमेरिका में होता है या फिर अफ्रीका एंड एशिया में होता है।
सवाल का जवाब देना है आपको। इतना सिंपल सवाल है, स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। चलो बताइए बेटा, ओके राधा राठौड़। चलो अभी सवाल का जवाब देना है सेवेंथ नंबर का आपको। आचल गुप्ता, सुजल बता रहे, वैष्णवी बता रहे, सभी ने बताने की कोशिश की है। ओके राहुल ने भी बताया है ऑप्शन नंबर, ठीक है इसी तरह से आपको आंसर देना है। चलो फटाफट चलो फटाफट आंसर देना है बेटा आपको। देखो सेवेंथ नंबर इसका सवाल रहेगा डी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया, डी नंबर का सवाल आपने यहाँ पर करेक्ट दिया था। उसके बाद बात करते हैं एट नंबर, अब एट नंबर का क्या रहेगा। द लियोपॉड और द टेंटवर्म वाज जूलॉजिकली नेम्ड एज, मीन्स इन एनिमल्स के जो जूलॉजिकली हमें नेम बताना है तो क्या नाम होते हैं उनके। जैसे हम जूलॉजिकल पार्क के बारे में देखेंगे तो किस नाम से इन्हें हम प्रोटेक्ट करते हैं, किस नाम से हम इन्हें देख सकते हैं और किस नाम से हम इन्हें रख सकते हैं वहां पर जूलॉजिकल पार्क के अंदर। पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा निशियस या फिर पैंथेरा पार्डस, कौन सा होता है यहाँ पर बताइए। चलो फटाफट आंसर बताना है आपको। रोशनी, चलो पिछले सवाल का जवाब सही दिया था आपने। अनुभव, अचल, प्रियंका, बायोलॉजी फॉर ऑल, प्रतीक्षा राठौड़ बता रहे बी, ओके वर्षा, केदु पाटिल, ओके चलो बता रहे तेजश्री, सुजान, फिर प्रिंसेस, अनुजा, प्रियंका, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है। तो किस नाम से हम इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जूलॉजिकल पार्क के अंदर या फिर हम सेंचुरीज के अंदर प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर एक का जो सवाल था वो रहेगा डी, ठीक है ये सिंपल बात वहां पर आपको पता करना बहुत बहुत जरूरी। उसके बाद देखो अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा, बहुत सिंपल सा सवाल है। फिर से रेड डाटा बुक के बारे में बताएं। रेड डाटा बुक इज अ रिकॉर्ड ऑफ एक्सटेंस, किसके बारे में हम यहाँ पर रिकॉर्ड रखते हैं रेड डाटा बुक के लिए। चलो बताना है फटाफट। नाइन नंबर जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है बहुत सिंपल सा सवाल है, इसी कंसेप्ट के ऊपर हमने बात की थी पिछले भी सवाल के अंदर। तो आपको बताना है रेड डाटा बुक इज अ रिकॉर्ड ऑफ एक्सचेंज, किसका रिकॉर्ड यहाँ पर हम एक्सचेंज में बता सकते हैं। नाइन्थ नंबर का सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए प्लांट है, बी एनिमल्स है, या फिर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, या फिर ऑल प्लांट एनिमल्स दैट आर द फॉसिल्स, या फिर फॉसिल्स के बारे में रखेंगे। देखो फॉसिल्स के बारे में तो कभी हमने बात ही नहीं की है तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। अब मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, अब आपको सोचना है प्लांट होता है, एनिमल होता है, या फिर दोनों भी होते हैं। चलो फटाफट आंसर देना है आपको, आपके लिए मैं वेटिंग कर रहा हूँ, रुक रहा हूँ यहाँ पर। चलो नाइन्थ नंबर का जो सवाल स्क्रीन के ऊपर है, गीतांजलि पाटिल ने, क्विट प्रिंसेस, गौरव, रोशनी, आदित्य, जूही, सभी ने कोशिश की है बताने के आंसर, बहुत बढ़िया अंकुश। चलो ऑप्शन नंबर जो है वो सी है। देखो प्लांट के अंदर भी ये हमें देखना है, एनिमल्स के अंदर भी देखना है, यानी कि रेड डाटा बुक के अंदर जो एंडेंजर स्पेसीज होते हैं उन्हीं को प्लांट और एनिमल्स दोनों को भी वहां पर रखा जाता है। तो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल यहाँ पर हम बता सकते हैं, ये हमने पढ़ा था लिविंग वर्ल्ड इसी टॉपिक के अंदर, बहुत सिंपल सा पॉइंट था और रेड डाटा बुक के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन पर वहां पर दी वाली है, जैसा लिविंग वर्ल्ड इसी टॉपिक के अंदर हम बात कर रहे थे, या फिर उसे हम डाइवर्सिटी के बारे में भी सोचेंगे उसे। तो इतना तो सिंपल सवाल आपको यहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद देखो जिराफ के बारे में बता, जिराफ इज अ कॉमन एनिमल ऑफ, जिराफ किस एरिया से रिलेट करते हैं तो आपको वो बताना है, डेजर्ट से करेंगे या फिर सावाना से करेंगे या फिर प्रेरियर से करेंगे या फिर रेन फॉरेस्ट से करेंगे, ऐसा कौन सा एरिया है वो जिराफ के लिए सुटेबल है या फिर जिराफ वहां पर रह सकते हैं, खुद का लाइफ स्पैन कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको बताना है टेंथ नंबर के सवाल का जवाब। अब कितने सारे स्टूडेंट्स इसी को आंसर के फॉर्म में बताते हैं, ओके गीतांजलि पाटिल, वेदुल बी बता रहे हैं, शैलेश ए बता रहे हैं, प्रियंका ए, लावण्या, जूही, आदित्य, वैष्णवी, आचल, राधा राठौड़, आकाश,
तो सभी ने कोशिश की आंसर देने की कौन से एरिया से जीरो रिलेट रहेगी। जब हम टेक्स्ट बुक पढ़ रहे थे, देखो वन शॉट वीडियो लेक्चर के अंदर टेक्स्ट बुक हमने लाइन टू लाइन कंप्लीट किया है, तो लाइन टू लाइन टेक्स्ट बुक कंप्लीट कर रहे थे उस टाइम हमें जीरो का सीधा सीधा सेंटेंस दिया था कि किस एरिया से वो रिलेट करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से बताना था, आपने कोशिश भी की है। तो चलो नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, कौन सा आता है देखेंगे। सिंपल सा सवाल है, वन ऑफ द एक्सियम कंजर्वेशन मेथड्स फॉर द एंडेंजर्ड स्पीशीज, इस एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए यहाँ पर हमें बात करना है और एक्सक्यूज कंजर्वेशन के बारे में भी यहाँ पर सोचना है। तो वाइल्ड लाइफ सैनिचरीज होते हैं या फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं या फिर क्रियो प्रेजेंटेशन होते हैं या फिर नेशनल पार्क्स होते हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा बताइए। क्रियो प्रिजर्वेशन होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जो सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है 11 नंबर का, तो मैं सोच रहा हूँ आपके सवाल का जवाब भी क्या है उसका मैं इंतजार कर रहा हूँ। मारुति, आदित्य, गौरव, चलो कनेक्ट हो गए बेटा आप, अभिनव, वैष्णवी, आचल गुप्ता, प्रियंका, आकाश, हेदु, सुजल, सभी ने आंसर देने की कोशिश की है, प्रवीण, लावण्या, वर्षा खाड़े, इलेवन का सी बता रहे बहुत सारे बच्चे, बहुत बहुत होशियार होंगे बच्चे, एमडी क्रिएशंस ये बता रहे, गौरव, तेजश्री, सभी ने कोशिश की है। देखते हैं ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन जो है वो सी रहेगा, ठीक है। तो सभी का कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पर सवाल बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, सवाल से भी ज्यादा ऑप्शन बड़े दिखाई दे रहे हैं, तो देखते हैं करेक्ट क्या होता है। जितना बड़ा ऑप्शन रहेगा उतना ईजी रहेगा हमें समझने के लिए, और जो सवाल भी जितना बड़ा रहेगा उतना ईजी रहेगा समझने के लिए और सॉल्व करने के लिए। तो इफ द, सिंपल बात है यहाँ पर, इफ द बेंगाल टाइगर बिकम्स एक्सटिंक्स, बेंगाल टाइगर अगर एक्सटिंक्स हो गए तो आपको बताना है क्या हो जाए, ठीक है। 12 नंबर का सवाल है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, आयंस एंड द ओ हैंस एंड द ओलवेज विल बिकम चर्स, उसके बाद द वाइल्ड एरिया विल बी सेफ फॉर द मैन एंड द डोमेस्टिक एनिमल्स, या फिर इट्स अ जीन पूल विल बी द लॉस्ट फॉर एवर, और फाइनली जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा द पॉपुलेशन ऑफ ब्यूटिफुल एनिमल्स लाइक अ डीज विल गेट और स्टेबिलाइज्ड। तो इनमें से क्या पॉसिबल हो जाएगा अगर बेंगाल टाइगर पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो, चलो बता रहा है 12 नंबर का ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 12 नंबर का सवाल था, आंसर सी बता रहे, वेदु पटेल डी बता रहे, सुजल सी बता रहे, पवन सॉरी प्रवीण, तेजश्री, वर्षा, आकाश, राधा राठौर, तो बहुत बहुत स्वागत है सभी का। बी नंबर और सी नंबर, इसके अंदर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, तो देखते हैं 12 का क्या होता है। 12 का जो रहेगा वो बी नंबर रहेगा करेक्ट आंसर, यानी कि इसी के बारे में टेक्स्ट बुक के अंदर हमें लाइन दी थी, अगर बंगाल टाइगर रहते हैं तो वहां पर वाइल्ड एरिया थोड़ा जो है वो हमारे लिए डेंजरस है, अगर बंगाल टाइगर कम हो जाएंगे तो हमारे लाइफ के लिए, और हमारे लिए अगर हम वाइल्ड लाइफ के अंदर जाते हैं या फिर डोमेस्टिक वैसे अगर हम वाइल्ड में जाते हैं तो वहां पर हम प्रोटेक्ट रह सकते हैं, सेफ रह सकते हैं, यानी कि मैन के लिए ये सेफ एरिया है, ठीक है, और डोमेस्टिकेट एनिमल्स के लिए भी वो सेफ एरिया होता है अगर बंगाल टाइगर वहां पर कम होते हैं, ठीक है। उसके बाद का अगला सवाल आपके लिए, विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज हाई डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मीन इनमें से कौन सा पार्ट है वर्ल्ड का जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म की डेंसिटी थोड़ा हाई होती है, ग्रासलैंड्स है या फिर सेवन्स है, उसके बाद ऐसी डियर्स फॉरेस्ट है या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, चलो बताना है फटाफट आपको। तो ग्रासलैंड्स के बारे में हमने अच्छी तरह से बात की थी, सेवन्स के बारे में बात की थी, जहाँ पर हमने जीरा को वहाँ पर अच्छी तरह से स्टडी किया है, डेसीडियस फॉरेस्ट के बारे में भी हमने स्टडी की थी, और ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, रेन फॉरेस्ट क्या होता है, वो भी हमने वहाँ पर अच्छी तरह से कंप्लीट किया है। तो चलो 13 नंबर का सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, ये तो
वेदू पाटिल डी बता रहे, मारुति डी बता रहे, जगताप रवि, गौरव जगताप डी बता रहे हैं, प्रियंका, आदित्य, सुजात, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं, वर्षा खाड़े, तेजश्री, गौरव शाहिल, आचल गुप्ता, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बताया, ओके नेहा पाटिल, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पर डी बता रहे, भास्कर। तो देखो ऑप्शन क्या आएगा, 13 नंबर का जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा डी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी कि टेक्स्ट बुक की अच्छी पढ़ाई हमारी हो गई है। उसके बाद रेड डाटा बुक के बारे में और एक बात यहाँ पर दी है हमें, देखो तीसरा सवाल है, रेड डाटा बुक कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, रेड डाटा बुक डील्स विद, रेड डाटा बुक्स का हमें यहाँ पर रिलेशनशिप बताना है, एंडेमिक प्लांट्स या फिर ऑर्गेनिजम्स शोविंग फोटो पीरियडिज्म या फिर ऑर्गेनिज्म दैट आर एक्सटिंग और ऑर्गेनिज्म ऑन द वेज ऑफ एक्सटिंक्शन, इनमें से कौन सा सवाल और कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अब सवाल तो हमने देख लिया लेकिन ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा ये आपको बताना है। चलो फटाफट बताइए, एंडेमिक प्लांट्स होते हैं या फिर ऑर्गेनिज्म फोटो पीरियडिज्म होते हैं या फिर ऑर्गेनिज्म दैट आर द एक्सटिंग या फिर ऑर्गेनिज्म ऑन द वेज ऑफ द एक्सटेंशन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, कोशिश करना है आपको। 14 नंबर का सवाल है, आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, शैलेश, राधा राठौड़, गीतांजलि, अंकुश, अनुभव, राहुल, पूजा, रोशनी, बहुत सारे अभिनव, देन पूजा, अनुभव, मारुति, सभी ने करेक्ट आंसर देने की कोशिश की है, गीतांजलि, ठीक है। तो देखेंगे ऑप्शन क्या आएगा 13 का, सॉरी 14 के बारे में बात कर रहे हैं, तो 14 का जो जवाब रहेगा वो हमारा रहेगा डी, ऑर्गेनिजम्स ऑन द वेज ऑफ द एक्सटिंक्शन, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो अगर एक्सटिंक्शन कंडीशन दिखा रहे हैं तो उनको रेड डाटा बुक के अंदर हमें मेंटेन करना होता है, नेहा पटेल ने भी वही बताया था, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, इसको हमें सॉल्व करना है, इसी के बारे में हमें आंसर बताना है, द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग द सेम हैबिटेट और कम्युनिटी इज टर्म्ड एज, मींस सेम हैबिटेट और कम्युनिटी दिखाई दे रही है तो उस ऑर्गेनिजम्स के डाइवर्सिटी को हम क्या बताने वाले, ठीक है, अल्फा बताएंगे, बीटा बताएंगे, गामा बताएंगे या फिर डेल्टा बताएंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा, अल्फा, बीटा, गामा या फिर डेल्टा। हैबिटेट सेम बता रहे ऑर्गेनिजम्स, जो डाइवर्सिटी है वो हैबिटेट से सेम दिखाई दे रही है हमें, तो ये आपको यहाँ पर बताना है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। चलो बताने की कोशिश कीजिए, बहुत सारे बच्चे ये बता रहे, ओके, सभी का सवाल आंसर जो है वो यही है, सवाल जो था उसका जवाब तो ये भी दिया सभी ने, आचल, नेहा, सुगल, राधा, सभी ने ये बताया, वेदू पटेल, नेहा पटेल। चलो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट रहेगा, जो अल्फा हम उसे बता रहे, यानी कि ऑर्गेनिजम्स है लेकिन इस ऑर्गेनिज्म के साथ अगर हम बात करेंगे तो सीधा सीधा हमें पता चलता है इस ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट किस प्रकार से है, हैबिटेट वहां पर सेम है, उनकी कम्युनिटी भी जो दिखाई दे रही है वो भी सेम है, दोनों अगर सेम दिखाई दे रहे तो डाइवर्सिटी को हम क्या कहेंगे, अल्फा कहेंगे, क्या कहेंगे, अल्फा, ये बात आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा, व्हेन वाज बायोडायवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया पास्ड बाय द पार्लियामेंट, इस पार्लियामेंट ने बायोडायवर्सिटी एक्ट कभी पास किया था। देखो हमें एक्ट के बारे में अच्छी तरह से यहाँ पर याद रखना है और हम कुछ ऐसे डे भी याद रखेंगे, जैसा वर्ल्ड डे हमने अभी देखा है, जैसे हम एनवायरमेंट वर्ल्ड डे कहेंगे तो उसके बारे में हमने बात की थी 1986, तो ये डे भी हम वहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ पर हमें बात करना है पार्लियामेंट के अंदर जो बायोडायवर्सिटी एक्ट था वो कब एक्टिवेट हुआ था या फिर कब पास हुआ था, ये हमें बताना है, 1992, 1996, 2000 या फिर 2002, कितने सारे बच्चे आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं देखेंगे, तो बहुत नजदीक के समय में वो पास हुआ था एक्ट, प्रियंका सर ये रिफ्यूज है ना, बड़ा मैं कुछ समझा नहीं, प्रियंका आपको क्या कहना है, रोशनी बताते हैं ए नंबर,
अचल गुप्ता 1992 बता रहे हैं, गीतांजलि पटेल डी बता रहे हैं, आकाश ये बताते हैं, तेजश्री गौरव देखेंगे, वेदू पटेल डी बताते हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा डी। मैंने अभी आपसे बताया कि बहुत नजदीक के समय में ये एक्ट पास हुआ था नए, जिसके अंदर 2022 हमने सोचा है, और 2022 को यह एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ था, ये आपको याद रखना है। कौन सा? बायोडाइवर्सिटी एक्ट। एनवायरमेंटल वर्ल्ड डे 5 जून जो हमने ऑलरेडी देखा है, उसी प्रकार से ये दोनों फिगर आपको याद रखना है आज के सेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों भी जो क्वेश्चन है वो रहेंगे। उसके बाद रहेगा अगला सवाल स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 17। क्या होता है? एमेजॉन रेन फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड एज अ लंग्स ऑफ द प्लांट एज दे कॉन्ट्रीब्यूट डाइडैश ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इन द अर्थ एटमोस्फेयर। अब अमेजोन के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सुना है, और अमेजोन के बारे में हमने पढ़ाई भी की थी जब हम बायोडाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उस टाइम अमेजोन का बेसिकली एग्जाम्पल हमने लिया था। तो अमेजोन जो बहुत बड़ा जंगल है वो क्या करेगा? ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, इसलिए हम उसे लंग्स भी बताते हैं। लेकिन उस अमेजोन से कितना ऑक्सीजन रिलीज होता है जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में कंट्रीब्यूट करता है, मीन्स जितना भी हमारे अर्थ के ऊपर ऑक्सीजन है उसके अंदर कितना परसेंट ऑक्सीजन जो रहेगा अमेजोन से आने वाला, तो इसलिए हम उसे लंग्स बता सकते हैं। तो बताना है आपको ऑप्शन नंबर ए 10%, 15%, सी 20%, या फिर डी 30%, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, सवाल 17 नंबर का आपके स्क्रीन के ऊपर है, चलो बता रहा है डी बता रहे हैं। रोशनी बेटा वेलकम आपका, ओके। जितने भी बच्चे चैनल पर नए हैं उन सभी ने चैनल के अंदर जाकर पूरे वीडियो लेक्चर्स को अच्छी तरह से देखना है, और वन शॉट वीडियो लेक्चर भी देखना है, और रेगुलर जो अपडेट आते हैं वो भी देखते रहना है। बायोलॉजी के लिए रेगुलर लाइव भी रहता है हमारा 9 बजे, उसके अंदर हम सीईटी के पूरे टॉपिक का रिविजन भी ले रहे हैं, वो भी आपको अटेंड करना है। समृद्धि, भास्कर, वर्षा, गीतांजलि, प्रणव, वेदू सभी ने आंसर देने की कोशिश की है, देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होता है। जो 17 नंबर का क्वेश्चन था उसका ऑप्शन रहेगा सी करेक्ट, यानी कि 20% जो है वो टोटल यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन है अर्थ के ऊपर प्रेजेंट रहने वाले ऑक्सीजन के साथ, जो अमेजोन से रिलीज होता है, मीन्स अमेजोन जो भी वहाँ पर डेवलप फॉरेस्ट है उस फॉरेस्ट से ये ऑक्सीजन रिलीज होता है, ये आपको यहाँ पर पता चलता है। उसके बाद 18 नंबर का सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर। प्लांट जीन्स ऑफ एंडेंजर स्पीसीज आर स्टोर, जो एंडेंजर स्पीसीज होते हैं तो प्लांट जीन्स के बारे में, तो सीधा सीधा हमको बताना है कि प्लांट जीन्स ऑफ एंडेंजर स्पीसीज आर स्टोर। ऑप्शन नंबर ए रहेगा, जो स्पीसीज एंडेंजर हो रहे हैं तो उनके जीन को हम स्टोर करेंगे, कहाँ पर करेंगे? जीन लाइब्रेरी में करेंगे, जीन बैंक में करेंगे, या फिर हर्बेरियम में करेंगे। तो देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, हर्बेरियम के अंदर क्या होता है, प्लांट के पार्ट को ड्राई किया जाता है, प्रेस किया जाता है, और एक फाइल के अंदर रखा जाता है, और उस फाइल के अंदर रखने के बाद क्या होता है, जब अगला स्टडी का टाइम आएगा तो उस टाइम हम वो फाइल को निकालकर स्टडी करते हैं, उसके अंदर हमें कहाँ से कलेक्ट किया, हैबिटेट क्या है, प्लांट्स का बॉटेनिकल नेम क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, या फिर उसका लोकल नेम क्या है, उसके कैरेक्टर क्या होते हैं, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हर्बेरियम के पास तो ओनली एंड ओनली ड्राई मटेरियल रहेगा जो नॉन लिविंग रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो सवाल, अभी जो सवाल है उसके लिए दो ऑप्शन अभी भी आपके पास है, आपको बताना है। भास्कर, पूजा सी बता रहे हैं, आदित्य सी बता रहे हैं, गौरव सी बता रहे हैं, मोहिनी बी बता रहे हैं, ओके, गीतांजलि बी बता रहे हैं, तेजश्री, राधा राठौर, वेदू, गौरव बी बता रहे हैं, नीरज मिश्रा, हेलो सर, बी ए आर्ट लाइक MHT CET लेक्चर लेना पड़ेगा, ये सोशल साइंस वाला को भी कॉलेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस देना पड़ेगा। देखो नीरज बेटा,
जो भी एडमिशन प्रोसेस रहेगी, जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी, तो मुकेश सर उसके ऊपर आपको अपडेट वीडियो लेक्चर्स देते हैं। तो यही सवाल आप मुकेश सर से अगर करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको आंसर देने वाले हैं और आपको सेटिस्फाई करने वाले हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर बीए आर्ट के लिए किसी प्रकार का सीटी नहीं होता है, सीधा सीधा कॉलेज में हमारे 12th के परसेंटेज पर ही एडमिशन मिल जाएगा या फिर 10th के परसेंटेज पर ही एडमिशन। लेकिन आज ऐसा हो गया कि एग्जाम कैंसिल हो गए, उसके स्टूडेंट्स के अंदर कंफ्यूजन है, फिर भी जो कॉलेज का एंट्रेंस रहेगा वो अगर हम देते तो हमें एडमिशन मिल सकता है और मिलता है, ठीक है। तो फिर भी आप क्या करो, दिनेश सर और मुकेश सर को यही सवाल कीजिए, आप वो सीधा सीधा वो आपको क्या करेंगे, जवाब देने की कोशिश करेंगे, या फिर उनके वीडियो लेक्चर भी होते हैं वो आपको उसके थ्रू इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरह से कोशिश की है MD, प्लीज शेयर का वीडियो, लाइक करो, ओके। MD क्रिएशन, थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो आप हमें। 45 स्टूडेंट्स हैं तो 45 लाइक बनते ही है, विधु पाटिल बताते हैं। ओके सर, आप डिलीट क्वेश्चन ले रहे हो, ओके, डिलीटेड पोर्शन से एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि उसके अंदर ऑप्शन में कोई ना कोई एनालिटिक बेसिस रहता है जो हमारे नॉन डिलीटेड पोर्शन से रिलेट करता है, इसलिए क्वेश्चन लेना होता है, ठीक है। अविनाश, समझ में आया बेटा मैंने आपसे क्या कहा। रोशनी, बी फार्म के लिए एडमिशन प्रोसेस बताओ सर। एडमिशन प्रोसेस जो होती है उसके लिए आपको सबसे फर्स्ट सीटी तो देना ही है। अब सीटी हमारी हो जाएगी तो उसके बाद एडमिशन प्रोसेस के बारे में हम आपको बताएंगे। अभी कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपने सीटी के ऊपर, ठीक है। तो देखो सवाल का जवाब क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर देने की कोशिश की है। 80 नंबर जो है उसका ऑप्शन रहेगा बी, जीन बैंक के अंदर हम एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज के जीन को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सवाल आता है 19 नंबर जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, क्या होता है सवाल। 25 हॉट स्पॉट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑक्यूपाई एन एरिया ऑफ, मीन्स यहाँ पर कितना परसेंट एरिया है वर्ल्ड का जो हॉट स्पॉट की बेस से ऑक्यूपाई किया है। चलो ऑप्शन बताना है, ए करेक्ट होता है, बी होता है, या फिर सी या फिर डी। 0.2, 0.4, 0.8 या फिर 1.4%। बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं, देखते 18 का बी बता रहे तेजस्वी, गीतांजलि। अभी 19 का सवाल स्क्रीन के ऊपर है, आप 19 के बारे में बताओ। वेदु डी बता रहे हैं, अंकुश ए बता रहे, लावण्या डी बता रहे, आचल गुप्ता। ओके, फार्मेसी के लिए वीडियो बनाएंगे हम, कोई टेंशन नहीं लेने का। अभी अपने सीटी एग्जाम पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। समृद्धि, गीतांजलि, तेजश्री, गौरव, राधा राठौड़, अविनाश, सभी ने आंसर देने की कोशिश की है। नेहा, भास्कर, पूजा, शैलेश, किड प्रिंसेस, समृद्धि, वर्षा खाड़े। देखो ऑप्शन क्या रहेगा, तो 19 नंबर का सवाल है, हॉटस्पॉट के बारे में पूछा है, वर्ल्ड ऑक्यूपाइड एरिया भी हमें वहां पर पूछा है, तो कितना एरिया ऑक्यूपाई होता है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, 1.1% एरिया जो है वो ऑक्यूपाई किया है। उसके बाद बहुत सिंपल सा सवाल और लास्ट सवाल रहेगा सेशन का। आज हमने इसी टॉपिक से 20 सवाल ही लिए वाले, 20 क्वेश्चन ही लिए वाले। क्यों लिए हैं, क्योंकि इस टॉपिक से हमें एक क्वेश्चन सीटी के अंदर आता है, इसलिए वेटेज के हिसाब से हमें सवाल जो लेना है वो बहुत कम लेना होता है। तो यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन वहाँ पर लिए वाले हैं। तो आज के सेशन का ये लास्ट सवाल रहेगा, सभी को करेक्ट आंसर देना है, सबने कोशिश करना है। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन, सिंपल सवाल है, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन, कौन सा ऐसा जोन है जहां पर एवरग्रीन हमें फॉरेस्ट दिखाई देता है। हिमालया रेंजेस, वेस्टर्न घाट्स, या फिर अरवली रेंजेस, या फिर आसाम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, तो आपको बताना है इसके बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 20 का ये बताया, करेक्ट बताने की कोशिश की है। साहिल, शैलेश, अविनाश, राधा, रोशनी, तेजस्वी, गौरव, अजीत, प्रतीक्षा राठौड़, भास्कर, आकाश, समृद्धि। सर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया है,
मोबाइल इलेक्ट्रिक, राहुल बहुत बहुत बढ़िया। तो देखो बच्चों करेक्ट आंसर क्या होता है, करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ए, हिमालय रेंजेस के अंदर एवरग्रीन जो है वो फॉरेस्ट हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा रहा ये कमेंट बॉक्स में बताना, और लाइक करना, शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के अंदर। नेक्स्ट लाइव सेशन जो हमारा रहेगा वो रहेगा थर्सडे को 10 जून 2021 4 PM, और टॉपिक रहेगा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यू। इस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो आपको सभी को कनेक्ट रहना है, सभी का धन्यवाद। इसी तरह से अच्छी पढ़ाई करना, पढ़ते रहना और हमारे साथ जुड़े रहना। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जो नए जुड़े हैं उनका भी स्वागत करता हूँ सेशन के अंदर, लेकिन अभी सेशन तो खत्म होते आया है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आकाश थैंक यू बेटा, समृद्धि बाय, गौरव बाय, बाय बेटा, सभी को बाय। चलो तो अभी सेशन खत्म करना है हमें, तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए सभी को बाय।